तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन राइडर एसके पे। तो दोस्तों, अपनी रैंकॉक पीओ से तक राइड हो गई है। अब आज राइड स्टार्ट करेंगे अपन रैंकॉक पीओ से नाको के लिए। तो लगभग 96 या 100 किलोमीटर रहने वाला है, बेहतरीन राइड रहने वाला है। बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और प्यार बरसाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं नाको के लिए राइड। तो निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे दोस्तों, सुहाने सफ़र पे। निकलने से पहले एक बार हो जाए जय भोलेनाथ सबके ना साथ, जय भोले शंकर। तो दोस्तों, आज की अपनी राइड बहुत ही प्यारी रहने वाली है नाको के लिए। बहुत ही सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, साथ में बहुत ही खतरनाक डेंजरस रोड्स आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जो आगे यहाँ से रैंकॉकपीओ से जो आगे की रोड है उस पर काफ़ी लैंडस्लाइड होती रहती है, पत्थर ऊपर से गिरते रहते हैं और नैरो रोड है। तो उस पर काफ़ी रोमांचक राइड रहने वाली है अपनी आज, एडवेंचरस राइड रहने वाली है। ये सामने जो आपको रिवर दिख रही है, स्पीति रिवर है, ये अपने साथ साथ अब नाको तक चलेगी। ये नाको वाला वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि काफ़ी खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके अपलोड करेंगे। पहला पार्ट ये है, ये देख के आप अगला पार्ट भी ज़रूर देखें, क्योंकि आप दोनों पार्ट देखोगे तो आपको मज़ा आने वाला है आज की इस राइड पे। यहाँ से ऊपर के लिए जो हम अभी उतरे हैं वो रैंकॉक पीओ के लिए रास्ता है, और यहाँ से अगर सीधा निकल जाए तो नाको के लिए ये रास्ता है। यहाँ पर काफ़ी BRO के कैंप्स वगैरह है। ये देखो एडवेंचरस रोड स्टार्ट हो रही है भाई। रोड एक नंबर बना हुआ है, गजब रोड बना हुआ है। कहीं कहीं से लैंडस्लाइड की वजह से, ऊपर से पत्थर गिरने की वजह से टूटा हुआ है, बाकी A1 कंडीशन है रोड का। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, दूसरी तरफ नीचे गहरी खाई है, उसमें स्पीति रिवर चल रही है, और फिर काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ है। तो ये अद्भुत रोड रहने वाला है, अद्भुत राइड रहने वाली है। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए खूबसूरत वादियों के नज़ारे अपनी HF डिलक्स के साथ। 100 CC बाइक से कर रहे हैं हम स्पीति का सफ़र। सामने देखो रोड दिखाई दे रही है, गजब है यार। ये पुलिया बना हुआ है गजब खूबसूरत। यहाँ पर पहाड़ है जो थोड़े कच्चे टाइप पहाड़ है, मिट्टी वाले पहाड़ ज़्यादा है, तो इसीलिए तेज़ हवा भी अगर चलती है तो उससे भी पत्थर गिरते रहते हैं। तो काफ़ी डेंजरस रोड है ये, गजब है यार। नज़ारे देखो सामने, क्या गजब दिख रहे हैं पहाड़। मस्त रोड है, इससे भी खतरनाक नज़ारे आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं इस रोड पे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या खूबसूरती है यार स्पीति की, नेक्स्ट लेवल खूबसूरती है, नेक्स्ट लेवल गजब लग रहे हैं। वो सामने देखो एक छोटा सा झरना नज़र आ रहा है, छोटा सा झरना है रोड के नीचे से निकाला हुआ है इसको। वो देखो यार क्या खूबसूरत लग रहा है, अल्टीमेट गजब लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है देख के। गजब है यार गजब। चलो आगे चलते हैं, यहाँ ज़्यादा रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये देखो यार क्या रोड बना हुआ है, पहाड़ के बीच में से निकाला हुआ है रोड को, पहाड़ काट के क्लिफ हैंगर रोड। और ये देखो पहाड़ों की रानी अल्टो, कहीं भी जाती है यार, कोई नहीं रोक सकता इसको, गजब है यार गजब। ऊपर देखो छत टाइप बना हुआ है, बारिश से बचने का अच्छा जुगाड़ है ये। और दरारें देखो पहाड़ में, इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, इसलिए ये डेंजरस है रोड काफ़ी। ये पत्थर गिरने से जगह जगह से टूटा हुआ भी है रोड, लेकिन ओवरऑल देखे तो गजब रोड है, बढ़िया रोड कंडीशन है।
ये देखो चट्टान पूरी रोड पे आया हुआ है यार, पूरी रोड पे। क्या बात है यार, क्या खूबसूरती है, स्पीति की खूबसूरती गजब है। और ये ऐसे वाले रोड्स, इसमें चार चांद लगाने का काम करती है। बिल्कुल यार मस्त, ये देखो फिर से वैसा ही रोड है। ये अब अपने को काजा तक, शायद नाका या काजा तक ऐसा ही रोड मिलने वाला है, ये क्लिप हैंगर वाला ही। गजब है यार, A1 अल्टीमेट। ये एक और पुलिया आ गया रोड के उस साइड जाने के लिए। इतनी देर इस साइड चल रहे थे, अब रोड के उस साइड जाएंगे। क्या नज़ारे हैं यार, क्या खूबसूरती है। ये रोड देखो यार, कितना गजब रोड है, कैसी जगह से बना हुआ है यार, क्या बात है। मज़ा आ रहा है यहाँ पर बाइक चला के, अपनी फुल इंजॉय अपने हम सफ़र के साथ। ये वाले जो पुलिये बने हुए हैं ना, ये भी क्या खूबसूरत लगते हैं यार, रंग बिरंगी पट्टी बना के इनको क्या खूबसूरत बनाया हुआ डिजाइन।
दीवार पूरा काफी दूर तक बनाया हुआ है। यहाँ बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होता है, बहुत ज्यादा पत्थर गिरते हैं। इससे काफी बचाव होता है कि डायरेक्ट रोड पे नहीं आएगा पत्थर, तो बचाव होता है इससे, इसीलिए ये बनाया जाता है। काफी दूर तक बनाया हुआ है ये, क्योंकि ये एरिया काफी खतरनाक है। और ऐसे एरियो में जहाँ बोर्ड वोर्ड लगे हो पत्थर गिरने के, वहाँ पर आप ना ही रुको तो बेहतर है, क्योंकि ऐसी जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं। कभी भी ये देखो पत्थर है ना ऊपर दिख रहे हैं आपको, ये अटके हुए हैं थोड़े थोड़े, तेज़ हवा के साथ भी ये पत्थर गिरते रहते हैं, तो कभी भी पत्थर रोड पे आ सकता है। तो ऐसी जगह से फटाफट निकल लेना चाहिए। बाकी ये लोग जो यहाँ काम करते हैं वो तो यार काबिले तारीफ है। ये देखो यार क्या खूबसूरत रोड है, क्या खूबसूरत वादी है यार स्पीति की। रोड A1 बना हुआ है, कहीं कहीं पर कुछ पेच डैमेज आ रहे हैं, बाकी तो रोड गजब बना हुआ है। आप कोई सी भी बाइक लेके यहाँ आराम से आ सकते हैं घूमने के लिए। थोड़ा कम सीसी की बाइक होगी तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको राइडिंग का अच्छा स्किल्स होगा, अच्छा नॉलेज होगा, तो आप आराम से 100 सीसी बाइक में ही कर सकते हैं स्पीति पूरा। और मेरे साथ बने रहिए, आपको आगे भी पता चल जाएगा कि कहाँ स्ट्रगल करना है पड़ता है हमें, क्योंकि अपनी 100 सीसी बाइक से अपन पूरा स्पीति राइड करने वाले हैं। शिमला से इंटर किया है अपन ने और मनाली से एग्जिट करेंगे, तो अपना पूरा सर्किल होने वाला है। ये देखो यार पत्थर ऊपर से काफ़ी गिरे हुए हैं यहाँ पर जगह जगह काफ़ी। तो दोस्तों इस वीडियो को इन्हीं खूबसूरत वादियों के साथ यहीं पर एंड करते हैं, और आगे का नाको का जो पार्ट है वो ज़रूर देखना। उसमें आपको नाको लेक देखने को मिलेगी, नाको विलेज देखने को मिलेगा, तो अगला पार्ट भी ज़रूर देखना। ये वीडियो काफ़ी लंबा है इसलिए दो पार्ट में मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। तो इस वीडियो को तो करते हैं यहीं पर एंड। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, गुड बाय, टाटा, जय भोलेनाथ। सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बरसाते रहिए।